हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन का। तो ये क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, अ ट्रॉली इज एक्सीलरेटिंग डाउन एन इंक्लाइन ऑफ एंगल थीटा विद एक्सीलरेशन जी साइन थीटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अल्फा इज द कांस्टेंट एंगल मेड बाय स्प्रिंग विद द वर्टिकल। तो देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें समझने वाली बात यह है कि कभी भी स्प्रिंग इस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करती है, जिस भी डायरेक्शन में नेट फोर्स आ रहा है टेंशन उसको बैलेंस करने की कोशिश करती है। जैसे अगर मान लो सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है और किसी रस्सी से हम किसी पार्टिकल को टांग देंगे तो वो इस तरह से हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एकमात्र फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, तो उस फोर्स को टेंशन को बैलेंस करना है इक्विलिब्रियम में, तो टेंशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाती है और एम जी के बराबर हो जाती है। अगर कभी कोई व्हीकल जैसे आगे की तरफ जा रहा है ए एक्सीलरेशन से, अब उसमें अगर हमने एक स्ट्रिंग से पार्टिकल को टांग दिया तो ये किस पोजीशन में इक्विलिब्रियम में आएगा? हम ऐसे केसेस में क्या देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, कार्ट है, वेसल है, उसके रिस्पेक्ट में हम देख सकते हैं। तो उसके रिस्पेक्ट में ये ऐसे कहीं इक्विलिब्रियम पोजिशन पे आएगी। तो इस पर क्या होते हैं, दो फोर्स लग जाएंगे, एक तो एम जी और एक सूडो फोर्स लग जाएगा कार्ट के फ्रेम में एम ए। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा टेंशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या रहेगा इन दोनों का, दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स आएगा एम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो टेंशन उसके ऑपोजिट लग जाएगी, तो यानी कि टेंशन की वैल्यू इसी के बराबर हो जाएगी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू टेंशन। और एंगल जो बनेगा वर्टिकल का, वर्टिकल से टेंशन का, वही हो जाएगा जो रिजल्टेंट फोर्स का वर्टिकल से एंगल होगा। तो यहां से हम देखें तो टेन थीटा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, एम ए बाय एम जी। दोनों फोर्स का रिजल्टेंट अगर यहाँ आ रहा है तो टेन थीटा एम ए बाय एम जी, यानी कि ए बाय जी। तो इस तरह से जो ऐसे क्वेश्चन है उनमें ये कॉन्सेप्ट लगता है। अब हम इस क्वेश्चन में आते हैं, तो इसमें भी हम कार्ट के रिस्पेक्ट में देखें या ट्रॉली के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, कभी भी इंक्लाइंड सरफेस पे जब हमें फोर्सेस देखने होते हैं तो हम कई बार कंपोनेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटर रहता है कि हम इंक्लाइंड सरफेस पे ही क्या करें, उस बॉडी को मान ले जिससे कंपोनेंट्स लेने में, एंगल सोचने में आसानी हो। तो मान लो ये बॉब है पेंडुलम का, अब इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है एम जी, ठीक है, एक सूडो फोर्स लग जाएगा क्योंकि कार्ट एक्सीलरेटिंग फ्रेम है, तो सूडो फोर्स लग जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एफ पी सूडो फोर्स हो गया। कितना, मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ट्रॉली, तो ट्रॉली का एक्सीलरेशन क्या है, जी साइन थीटा, ये आ जाएगा सूडो फोर्स। ध्यान रखना ये एम जी का कंपोनेंट नहीं है, ये मास ऑफ द बॉब, ठीक है, या जो पार्टिकल बोल दो, इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ट्रॉली, दिस इज द सूडो फोर्स। तो एक एम जी फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल पे और एक सूडो फोर्स, दो ही फोर्स लग रहे हैं, और इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा टेंशन उसको बैलेंस करेगी और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब हम क्या करें, हम mg के कंपोनेंट कर लेते हैं। तो mg के कंपोनेंट हमें करने हैं, इंक्लाइंड एंगल थीटा है तो अलोंग द इंक्लाइंड कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा, एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड आ जाएगा mg cos थीटा। अब ये जो mg sin थीटा वाला कंपोनेंट है ये सूडो फोर्स से कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स बचा mg cos थीटा, और टेंशन अपने आप को इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी। एक तो टेंशन किसके बराबर हो जाएगी, एम जी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी, और इस तरह से आ जाएगी। अब टेंशन का वर्टिकल से क्या एंगल होगा ये भी हमसे पूछा है। तो अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और बना दूँ, तो अब थोड़ा सा अगर हम देखें, ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा था तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला दिस इज 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। तो जो अल्फा है वो थीटा के बराबर ही आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू थीटा, तो अल्फा थीटा के बराबर आएगा। और अगर टेंशन की बात करें तो एम जी कॉस थीटा होगा, तो ऑप्शन ए इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन।